बात करते हैं वायु प्रदूषण की। हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रकोप लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि AQI खराब स्तर पर दर्ज किया जा रहा है। हम बात करेंगे हरियाणा के अलग अलग जिलों की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कैथल का जिक्र रहेगा, क्योंकि कैथल में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी, अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स मिला के 283। इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें, NCR का इलाका है, तो 266। पंचकुला की बात कर लें, यहाँ पर 265। सोनीपत की बात कर लें, 263। फरीदाबाद में 262 AQI दर्ज किया गया है। जींद में 251 AQI रहा है। रोहतक में 232, बहादुरगढ़ में 230, यमुनानगर में 227, कुरुक्षेत्र में 224 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो देखिए, हवा में जहरीले तत्व पाए जा रहे हैं। हिसार, सरसा, कैथल, गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। हल्का कोहरा सुबह सवेरे देखने को मिलता है। अभी सर्दियां का केवल आगमन हुआ है, लेकिन जिस तरह से कुहासा सुबह सवेरे छाया हुआ है, इसमें बड़ी बात यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। ऐसे में हवा में जहरीले कण भी विद्यमान है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं लोगों को सचेत रहने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ प्रदूषण से बचने का एक सही तरीका यही है कि और प्रदूषण ना फैलाएं, कूड़ा ना जलाएं, पराली ना जलाएं। लगातार प्रशासन इसको लेकर लोगों को सचेत भी कर रहा है, लेकिन हरियाणा में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब से खराब श्रेणी की तरफ बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें किस शहर में कितना है। कैथल की बात करें तो यहां पर 283 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में 266, पंचकुला में 265, सोनीपत में 263, फरीदाबाद में 262 दर्ज किया गया है। ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा के अलग अलग शहरों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। जींद में 251, धारूहेड़ा 241, रोहतक 232, बहादुरगढ़ 230, यमुनानगर 227, कुरुक्षेत्र 224, चरखी दादरी 209, मानेसर 200, भिवानी 189, पानीपत 185। तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग शहरों का हरियाणा में। सिरसा 279 है, अंबाला 179 है, अंबाला 166 है, बल्लभगढ़ 156 है, नारनौल 131 है, करनाल 132 है। यह है एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश और प्रदेश में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में कई जगहों पर दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो कैथल में लगातार हवा की स्थिति बिगड़ती जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब दर्ज किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी और कर्ण जयसिंह का रुख करेंगे। जी अनिल, जिस तरह से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, लगातार देखा यह जा रहा है कि हरियाणा के कई शहरों की स्थिति तो काफी खराब है, आपके यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है और जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, क्या प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रहा है, किसी तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए लगातार खराब हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है। जी अनिल बताइए। तो तस्वीरें आपको दिखा रखे के सुबह सवेरे कुहासा छाया हुआ के, धुंध नजर आ रखी है। अभी सर्दियों का केवल आगमन हुआ के, सर्दियां बड़ी देर से आ रखी है, लेकिन इस बीच दिवाली के बाद से लेकर अब तक कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है। एक तो देखिए पराली जलाने को लेकर इसमें ज्यादा बड़ी वजह मानी जा रही है, दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा है दिवाली के बाद से। NCR इलाके ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने के साथ ही देखिए जनजीवन पर असर पड़ रहा है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो पहले से बीमार है। एक बार फिर से रुख करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी का। अनिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्या प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, किसी तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं? अनिल देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से जो वायु गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है, इसी को लेकर के जिला प्रशासन की बात कर जाए या फिर जो आम लोग हैं उनकी बात कर जाए, पूरे तरीके से जो है वो मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो है वो पिछले साल की अपेक्षा बात करी जाए तो हालांकि जो वायु की गुणवत्ता है अभी तक काफी सुधार है, क्योंकि पिछले साल जो ये AQI लेवल था ये लगभग 400 के आसपास था, लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी कुछ राहत जरूर इसमें है। और
जिस तरीके से अब दो दिनों से पिछले फिर दोबारा से इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है, आज जो है वो 250 से ऊपर जिस तरीके से फरीदाबाद का दर्ज किया गया, तो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों को काफी कठिन है वो सामना करना पड़ेगा। इससे लेकर के काफी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है लोगों को जो है फिलहाल भी फेस करनी पड़ रही है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फिर महिला हो, तो कहीं ना कहीं आंखों में जलन, गले की शिकायतें और इन तमाम चीजों की जो फिलहाल कह सकते हैं कि जो लगातार अस्पतालों के अंदर भी जो है वो बड़े पैमाने पर मरीज जो है वो दिखाई देने लगे हैं। तो इसको लेकर के देखिए फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जिला प्रशासन ने जो है वो लोगों को हिदायत दी हुई है कि अधिक से अधिक जो है वो जो जिस तरीके से बचाव करने के जो उपाय हैं उनको जो है वो अपनाएं। लगातार जिस तरीके से जो पॉल्यूशन जिस चीज से फैलता है उस चीज से जो है वो बंद उसको बंद करें। तो तमाम कह सकते हैं कि फिलहाल पाबंदियां जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो की जा रही है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल जो है वो इस तरीके का स्थिति जो है वो लगभग 250 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स की है दर्ज किया गया। तो 250 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। अब हम रुक करेंगे करण का। करण, लगातार देखिए दिल्ली एनसीआर के इलाके ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा बिगड़ रहा है, ऐसे में प्रशासन के उपाय क्या नाकाम साबित हो रहे हैं? दिवाली के आसपास का समय आता है, वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तमाम तरह की कड़ियां जो है, तमाम तरह की पाबंदियां जो है वो लगाई जाती है। जी बिल्कुल, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन कितनी भी पाबंदियां लगा ली गई हों फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता नजर नहीं आ रहा है और फिलहाल ऐसे आसार भी नजर नहीं आते हैं। हालांकि उम्मीद इस बात की भी है कि अगर बरसात हो जाएगी तो हवा में जो जहरीले कण हैं वो धुल जाएंगे, एयर क्वालिटी पहले से बेटर होगा, लेकिन फिलहाल बरसात भी आसपास नहीं है और जिस तरह से सर्दियों का आगमन हो रहा है ऐसे में कोहरा छाना, आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ जाना, एक इस दौरान भी देखा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता ठीक है। इस बीच दिल्ली सरकार भी बड़े कदम उठा रखी है। इधर हरियाणा की बात करें तो पराली जलाने को लेकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता करण का। करण, देखिए ना तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो रहा है ना गुरुग्राम में, तमाम तरह के उपाय किए गए, पाबंदियां लगाई गई, लेकिन सब कुछ नाकाफी फिलहाल नजर आता है गुरुग्राम के लिहाज से। हाँ बिल्कुल आरती, क्योंकि ये इसलिए कहा जा सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गिरावट है वो दर्ज नहीं की जा रही है। आज की अगर बात करूं तो सुबह 266 एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम में था, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी होती है। आप मान के चलिए कि अगर सुबह सबसे खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है 266, तो दिन भर ये 300 को पार कर पहुंचेगा और लोगों की समस्याएं जो है वो एक बार फिर बढ़ जाएंगी। ग्रैब को लागू किया गया, पाबंदियां लगाई गई, लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, जो भी कूड़ा जलाने की जो घटनाएं हैं उन पर चालान काटे जा रहे हैं। लगातार नगर निगम की ओर से जो ग्रैब के नियम है उसका पालन कराने के लिए सख्त जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आरती एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250-300 को पार कर जा रहा है और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि इस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 380-390 गुरुग्राम में दर्ज किया जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 और 500 को पार कर गया है। उसका असर साफ तौर पर एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिलता है। एनसीआर से सटे जितने भी जिले हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उस पर बढ़ोतरी होती है और जो आबो हवा है वो लगातार दूषित होती चली जाती है। और आसमान में भी आरती एक प्रदूषण की सफेद चादर जो है वो देखी जा रही है, जिससे जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, अस्पताल में मरीजों की संख्या जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि ये जो समय होता है जब मौसम बदलता है तो उसमें पहले ही वायरल फीवर के जो मामले हैं वो बढ़ जाते हैं और उसके साथ जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है तो मरीजों की संख्या में भी इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट हो, जो हिदायत दी गई है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका पालन लोग करें, इसकी अपील भी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से की जा रही है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप प्रदूषण से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाएं। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए उसको बंद कर दें, और जो बच्चे अगर पार्क में खेलने जाते हैं तो उसको भी आप थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि जो वायु गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी
श्रेणी में है और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही खतरनाक जो है वो साबित हो सकती है। जो अस्थमा के मरीज हैं और जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उनके लिए भी ये प्रदूषण जो है वो हानिकारक होता है। तो तमाम तरह की जो हिदायत है वो डॉक्टर्स की ओर से दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आरती कि आखिरकार कब दिल्ली एनसीआर वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलेगी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि कब आखिर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा। यमुनानगर से खबरें अभी तक की संवाददाता रजनी सोनी हमारे साथ जुड़ी हैं। रजनी, यमुनानगर में भी कमोबेश यही स्थिति है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। क्या ये भी वो इलाका है जहां पर पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिल रही है? देखिए आरती, आज की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 227 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा है। हालांकि पराली जलाने के जो मामले हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सामने तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही जो कृषि विभाग है उन्होंने 4 किसानों पर मामले दर्ज किए थे। लेकिन यहाँ के किसान जो हम कह सकते हैं कि काफी जागरूकता दिखा रहे हैं। इस बार पराली जलाने के केस पहले से जो है वो कमी आई है, लेकिन यमुनानगर जो है वो औद्योगिक नगरी है। यहाँ प्लाईवुड जो इंडस्ट्री है वो काफी संख्या में यहाँ पर प्लाईवुड उद्योग है, जिनकी चिमनियों से जो धुआं उठता है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जरूर फैलाता है। लेकिन इसकी भी हम प्रशासन की इस बार प्रशंसा करेंगे कि चिमनियों से निकले वाला धुआं जो है वो भी कहीं ना कहीं कम जरूर आंका जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग अभी जागरूक नहीं है, लोग जो कूड़ा करकट है उनमें आग लगा देते हैं, उससे भी प्रदूषण फैलता है। तो कुल मिलाकर जो हम कह सकते हैं कि आज जो है जो इंडेक्स लेवल है वो काफी ऊपर गया है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में जो यमुनानगर का वायु प्रदूषण था वो काफी सामान्य रहा, लेकिन आज जो है वो करीब काफी है, जैसे कि 100 से नीचे जो है वो सामान्य माना जाता है। लेकिन आज सुबह जो रिकॉर्ड किया गया है AQI वो काफी चिंताजनक है, और इससे काफी तरह की बीमारियां जो हैं वो भी लोगों को पकड़ रही हैं। लगातार खांसी, जुकाम और आंखों में जलन जैसी बीमारियों के केस जो हैं वो डॉक्टरों के पास भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होते हैं तब तक चाहे प्रशासन इस पर काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की काफी जरूरत है। जी आरती, बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रजनी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। करण, आपका भी बहुत शुक्रिया। इधर अनिल राठी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया कि तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ रहा है। कैथल का AQI लेवल अगर हम देखें तो 283 दर्ज किया गया है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज मलिक ने जायजा लिया है, एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर आज एयर क्वालिटी की बात करें तो 250 पार कैथल की जो हवा है वो पहुंच चुकी है, और बहुत जो जहरीली है वो हो चुकी है। और बात करें सांस लेने में और आंखों में जलन, तो लगातार इन्फेक्शन कैथल के अंदर फैलता जा रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल के पेवा चौक पर, आप देख भी सकते हैं किस प्रकार जो हवा का जो प्रदूषित हवा है, दूषित हवा है, जहरीली हवा है, किस प्रकार चादर दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान जो है लगातार पराली अवशेष जला रहा था। और बात करें तो 3 दिन के अंदर 10 नए मामले सामने आए हैं पराली अवशेष जलाने के, उसके साथ साथ एक महिला समेत 33 किसानों की गिरफ्तारी भी जिला प्रशासन द्वारा की गई है, और 172 जो टोटल संख्या किसानों की अवशेष जलाने की वो कैथल में पहुंच चुकी है। उसी के साथ साथ बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो किसान है वो फसल अवशेष ना जलाए, क्योंकि जो हवा है बिल्कुल दूषित होती जा रही है और आमजन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन संदीप डोल के साथ मनोज मलिक, खबरें अभी तक।